Hello guys. I'm here to be motivate and I'm also going to motivate myself and jisse ki ho sake ki main kuch matlab hamesha always I'm surrounding to full of positive energy. ऐसा ना हो कि यार कुछ लोगों की बातों में आकर कहीं जो मेरे को बनना है जो मेरा सपना है इट विल बी गोइंग टू ब्रेक डाउन. सो दिस इज दी माय मेन टॉपिक कि व्हाई वी आर गोइंग टू लिटिल थोड़ा मोटिवेट हो गए और उसके बाद में खलास वी कैन नॉट गो ऑन माय डायरेक्ट डायरेक्शन पाथ. व्हाई वी आर स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कमिंग ऑन इन आवर लाइफ. व्हाई that all so many questions in my mind and so many questions are for your mind also because we are same human being na. इंसान जो भी है वो सोच सकता है. सोचने के बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं इंसानों के पास आते हैं, जानवरों के पास तो आते ही नहीं है यार. वो लोग की जैसी लाइफ चल रही चलने देते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर स्टक. इफ सम टाइम वी गेट सम एनर्जी लाइक अ फ्यूल देन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट फ्यूल दैट एनर्जी. व्हाई ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए. एंड इफ आई वी आर यूजिंग दैट फ्यूल देन व्हाई वी आर नॉट अचीविंग. तो ऐसा लगता है कि मैं मिला जो मुझे करने के लिए फ्यूल भी मिला एनर्जी भी मिल गया तो मैं क्या मुझे what स्टॉपिंग मी क्या रोक रहा है. The stopping is was you are not focused because somewhere something else coming to in your mind that's why you are not focused. If you are absolutely focused then you will reach that your goal, right? So there is so many things you are not achieving your goal. So guys, the life is I have one solution. The now what you are is we can type A and where you want to go this is called B. अब इनके बीच में जो भी हो आप उसको डेस्टिनी बोल दो या फिर तुम्हारा वे बोल दो तुम्हारा सपना बोल दो और कुछ भी बोल दो जो तुम समझना चाहते हो. सो हियर नाउ A to वी हैव टू गो B. उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे. देर इज सम मोमेंटम कमिंग इन द बिटवीन द दिस टू गैप्स लाइक कभी फेस्टिवल आ गया समझ लो गणपति अभी आ गई. देर इज़ अ वन फेस्टिवल इट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस. एंड फिर उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले गणपति दहीहंडी आ गई थी राइट. फिर इसके बाद में अभी थोड़े दिन के बाद देन नाउ आफ्टर कमिंग दुर्गा पूजा नवरात्रि देन वी आर प्लेइंग एवरीबडी आर प्लेइंग इन द डांडिया एवरी आर बिजी इन इट. इज ओके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए यार. वी कैन एंजॉय ये सारे फेस्टिवल इसीलिए तो आते हैं. सो वी आर गोइंग टू एंजॉय ऑल दैट मोमेंट बट वी हैव टू बी फिक्स इन आवर माइंड व्हाट इज आवर एक्चुअल गोल या परमानेंटली क्या है. दिस इज कमिंग फॉर अ फ्यू डेज ओके वी कैन एंजॉय बट वी डोंट हैव टू स्टे देयर. हाँ भाई अब ये आ गया अब यही करते रहना है आगे का छोड़ दो. नो जी ऐसा नहीं होने वाला. सो व्हाट वी हैव टू डू इट फर्स्ट वी हैव टू प्लान ए where we have to go, plan B, और इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ भी हो सकता है. किसी के पास में पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के पास में एग्जाम्स का टेंशन स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसके बाद में फेस्टिवल्स, फिर इसके बाद में रमजान, ऑल दिस ट्रैक्शन. कोई सिक हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इन द ए टू बी बिटवीन द कमिंग आर ऑल द पैथेटिक situation. How can we fail? How can we manage? How can we achieve that our particular we where we want to go in B? So there is a more thing how you can do this thing. Just face it and just do the overcome and go move on. अब somebody क्या होता है किसी के घर पे problem आ गई या फिर किसी घर में ऐसी दुर्घटना घट गई कि उसके वजह से जो घर चलने वाला होता है वो ना नहीं चल पाता है. सो वी आर गेटिंग टू डिप्रेशन. फिर डिप्रेशन आने के बाद में अब कैसे होगा क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा घर कौन संभालेगा और ना जाने कितने सारे मतलब क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा बी तक पहुंचने वाला गोल रहता है ना वो पूरा ख़राब हो जाता है.
we never ever reach that particular goal जो हमने सेट किया होता है कि आज से 3 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद जो हमें बनना है, राइट? मेरे इसमें मैंने अपने मतलब जो है मेरे फैमिलीज में, मैं ज़्यादा लोग को जानता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. हाँ, कुछ ही लोग हैं जो बैंक में अच्छी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपना नाम अपने जो फैमिलीज वालों का नाम अच्छा कर रहे हैं, हाँ कि यार उनका बेटा अच्छा कर रहा है. सो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ही लोग फोकस के साथ में वो काम कर पाते हैं? वाई? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो एक ह्यूमन बींग है जो हमें किसी और से अलग नहीं बनाया. हमारा सोचने का तरीका भी उन्हीं की तरह होता है. वो डिफरेंट कैसे होते हैं बताइए आप भी, कैसे होते हैं डिफरेंट? मतलब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हम उधर पे जगह पे पुचके पड़े हुए हैं, दबे पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम से घिरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है. वाई वे आर ओनली मी? वाई दे आर, वाई जो सक्सेसफुल है वो क्यों नहीं? तो देयर इज अ नजरिया होता है यार. अपन हम जिस प्रॉब्लम को जिस नज़रिया से देखेंगे ना, द सेम थिंग कमिंग टू यू. एग्जाम्पल फॉर, इफ आपने ठान लिया कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो माइंड आपके सामने है ना एक रीज़न ला के रख देगा कि क्यों नहीं हो पाएगा. इफ़ यू आपने ठान लो ना कि यहाँ करना है, कैसे करना है नहीं पता, बस करना है ये काम जो मिला मुझे, देन माइंड है ना ढेर सारी पॉसिबिलिटी ला के रखेगा आपके सामने. सो यू हैव टू बी, यू कैन डू दैट. That जो आपने सोचा हुआ है आपका, ओके कैसे भी कर लोगे. आपको कोई टास्क दिया जाए अपने स्कूल में या कॉलेज में, या आपकी मॉम ने कुछ बोला हो और वो कंपलसरी हो, नहीं तो पता है घर पे फिर आएंगे, डांट मिलेगी, पापा भी डांट देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हाउ एवर यू हैव टू डू इट. कैसे भी तुम करके दिखाई दोगे कि हाँ मैंने किया, सही नहीं हुआ बट मैंने किया, राइट? अगर आप यही सोच लो यार छोड़ो ना, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, या फिर फैमिली वाले ने बोला इसको टेपा दे देते, या फिर इसको कुछ जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है. तो माइंड है ना उसके सामने और है ना ऐसा बहाने ला के रख देगा, छोड़ना मम्मी बोलिए ना, मम्मी को मना लेंगे बाद में, मतलब ऐसा काम करता है. सो ए टू बी, हाउ वी कैन गो, हाउ आवर रीच आवर गोल फुल, दैट इज कॉल्ड फुल फोकस ऑफ फुल फोकस. एंड वी हैव टू बी, जो हमारे साथ में जो हमारा एटमोसफियर है, जो हम जिस एटमोसफियर से हम बंधे हुए हैं, दैट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए यार. द नेगेटिव पीपल आएंगे, अरे यार चलना पार्टी करने चलते, छोड़ना ये कल कर लेना, कल 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 कल, फिर वो खत्म. वैन वी गॉट फेल इन दैट जो आपने सोचा हुआ था, राइट? अगर हम अपने आप को पॉजिटिविटी से घेर लें, जैसे कि अच्छे बुक पढ़ लें या फिर अच्छे वीडियोस देख ले जिससे हमारा माइंड एक ही ट्रैक पे आ जाएगा जो हमें बनना है, और अच्छे लोगों से मिले जो अच्छी बातें करते हों, और जैसे कि और रिस्पेक्ट जरूर करना अपने पेरेंट्स की, उनको कभी बुरा मत फील कराने देना यार, नहीं तो एक अलग तरह का वो आता है, माइंड खराब हो जाता है. सो दैट कुछ भी करो, अच्छा करो, यू शुड टू लर्न समथिंग इन योर डेली लाइफ, न्यू थिंग. एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बुक पढ़ने, या तो बुक नहीं मिल रहा है, इट्स ओके. सो यू कैन वॉच, यू हैव इंटरनेट, जियो अब आ गया इतना सारा, तो यू कैन वॉच राइट मूवी, पॉजिटिव मूवी, मोटिवेशन मूवी, एंड मोटिवेशन द शॉर्ट फिल्म्स, कहीं से नॉलेज मिले ना जस्ट रख लो यार, फिर इसको अप्लाई करो, देखना जरूर चेंजेस आएंगे मेरे अंदर आ सकते हैं, तो वाई शुड यूर नॉट, तुम भी तो कर सकते हो अपने आप को चेंज, राइट? गाइस अगर आपको अच्छी लगी होगी ना ये मेरे वीडियो, सो प्लीज़ hit subscribe button, hit bell icon and share to your friend. And हाँ, जो A से और B तक पहुँचने का जो रैया था ना कहीं करके दिखा दो यार. एक दिन जब कुछ कर जाओगे ना, तब लोग, पहले तो जब करते रहोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे, टॉन्ट मारेंगे, इट्स ओके, उसको सुन लेना, मगर कुछ बन के उनको एक जवाब देना, देख तू कल बोल रहा था ना आज मैं क्या से क्या हो गया. ये फ़र्क है यार सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में, जो सक्सेसफुल है लगे रहो, डटे रहो, करते रहो, आज नहीं तो कल सफल जरूर मिलोगे, ये वादा है. सफलता सब लोग बोलते हैं ना, स्कूल में तो मैंने यही पढ़ा हुआ था, मेरे ब्लैक बोर्ड पे यही लिखा होता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम करके ही आप आगे बढ़ सकते हो. मतलब जहाँ तक बताया गया ना, परिश्रम, मेहनत हार्डवर्क, यही सब के बारे में बताया हुआ है. सो उसको मैंने मतलब हल्के में लिया था, तो आज मेरे को भारी पड़ गया, तो आज मैं उसको भारी में ले रहा हूँ, तो कल मेरे को कुछ भी हल्का, मतलब सब हल्का लगेगा. सो गाइस आप भी कुछ ना कुछ सीखिए और लीजिए, करिए यार कुछ,
Thank you for watching. Thank you.